ये देखो, दो अवार्ड जीतने के बाद ऐसा ही होता है, इंसान खाने चले जाता है। घर में दो अवार्ड आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अंजित भैया? बहुत बढ़िया, जगह बनानी पड़ेगी जगह। वो काट गई ना तेरा, तुझे मना किया था, तुझे पहले ये हवाला दे के भला किया था। ये वो पापा की परी है, उससे पैसों की पड़ी है, इंजन प्रिया चाहे जिसे वो हाँ पत्ती हरी है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं गोवा। गोवा में हम आए हैं एक अवार्ड फंक्शन में, क्योंकि हमारे को उन्होंने बोला आपको सम्मानित करना एक अवार्ड से, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं। तो भाई ये है हमारा होटल रूम, और मैं एंट्री कर ली थी, और ये जो खाने वाली चीज है, यम 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 नम नम, बहुत भूख लग रही है यार। मतलब मैं सुबह 6 बजे सोया था, फिर मैंने 11 बजे की फ्लाइट ली और मैं गोवा आ गया अवार्ड लेने। जिंदगी है भाई। जानू मतलब पूरे ट्रिप पे, मतलब मैं सिर्फ इसलिए आया था कि चल गोवा थोड़ा देख लेंगे, खा पी लेंगे, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि बिग बॉस के घर में 56-60 दिन रहे हैं, बाहर नहीं गए, घूमे नहीं, तो बढ़िया है ना, गोवा के मजे लेते हैं। और ये देखो रूम कितना सुंदर है, ऐसे मतलब बेड बाथरूम भी बड़ा मस्त है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा कमरा है। और भाई ये पता नहीं इन्होंने मेरे को क्या दिया है, इन्फ्लुएंसर अवार्ड के नाम पे, पता नहीं कौन सी दारू की स्पिरिट की बोतल पकड़ा दी। आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज आई एम सूफी आदमी। और ये बालकनी भी बहुत अच्छी इसकी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं, देखते हैं किसको क्या अवार्ड मिलता है। एंड निश्चय भी ऑलरेडी गोवा में, वो 2 दिन पहले आ गया था, तो उसको भी फोन करना और उससे पूछना भाई कहाँ पर है, आ जाओ घर आ जाओ। परदेसी मिली, खाना आ चुका है और मैंने तो शुरुआत कर दी, मैंने अपना काठी कबाब रोल, ये कौन सा रोल था भैया? पनीर काठी रोल। अंकित भैया वैसे आपने भी रियलिटी टीवी शो कर रखा है ना? मैंने नहीं यार, झूठ मत बोलो। मुझे याद है एक बार आप वो गए थे, वो पुराने जमाने में जब आप फास्ट में ले जाते थे, ऐसा कुछ था ना, वहां से भी ऑफर आया था या फिर वहां गए थे? इनको एक ऑफर आया था जहाँ पर मतलब पुरानी जिंदगियों की पूछते, जब तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, पुराने जन्मों की कहानियां बताते थे, उस शो में ऑफर आया था और उनको कहते कि तुम्हारी एक अच्छी सी स्टोरी बना देंगे। अब बिग बॉस 17 में जाने का प्लान है क्या? दोनों ही चले जाना, ट्विंस साथ जाते हैं कपल। भाई जिंदगी में कुछ भी करने का था सिंघम, बट वो वाला शो नहीं करना था। बिग बॉस तो बढ़िया यार, टाइम पास के लिए मैं तो जेन्युइन बोलता हूँ बढ़िया है, बट OTT इज गुड। मतलब 56 डेज जो हमने निकाले वो निकाल दिए, बट पर 120-140 दिन निकालना, मतलब इंसान वहां से पागल होकर निकल सकता है। और देखो अब हमने ऑर्डर कर दिया खाना, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, और देखो क्या निकला इसमें, सैलेड वाओ, और फिर है नान है, दाल है, ये सबसे बेस्ट था कबाब, काठी कबाब, पनीर कबाब, जो भी रोल था बहुत बढ़िया था। और निश्चय कब तक आ रहा है? निश्चय भाई साहब अपना अलग रुके हुए हैं, यहाँ होटल मिल रखा है, वो पहले आके अपनी मस्ती कर रहे हैं, मस्ती हम मस्ती में आग लगे बस्ती में। Alright guys, आइए, finally निश्चय आ गया है गोवा, घूम रहा है अकेला और मेरे को नहीं घुमा रहा है गोवा, मेरे को सिर्फ अवार्ड लेके भेज देगा ये। भाई मैं तो 2 दिन से ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, मैं तो वीडियो बनाने आया था। This is cheating. अच्छा मैं तो नॉमिनेट हुआ हूँ यूट्यूबर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, तू किसके लिए हुआ है? मुझे ये बताएंगे मैं किस लिए, ये किस लिए नॉमिनेट है? अभिषेक नॉमिनेट है नहीं है, तो इसको ऐसे ही लेकर आए हैं, एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिल रहा है मुझे। तो अभिषेक के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी निकाली है, स्पेशल कैटेगरी बनाई है ताकि इसको भी कुछ दे सके। ओ फुकरा इंसान। एक चीज बड़ी फनी है रब्बू, मतलब लिटरली पिछले सारे के सारे व्लॉग्स तूने करे हैं, लेकिन फिर भी हर कमेंट में ये होता है, फुकरा भाई आप अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू कर लो। लोगों को बता दे भाई ये फैमिली व्लॉगिंग चैनल है, डिंपल मनहन व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स है, मनहन फैमिली के, मैं निश्चय मम्मी पापा, पापा तो नहीं, खैर पापा आते ना चाय पिला दे। अरे सबसे बढ़िया बात, आपका चैनल का नाम है हसले इंडिया, आप कुछ बता रहे थे, लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारे चैनल का नाम हसले इंडिया है, तो तुम हंसाते क्यों नहीं हो, रुलाते क्यों रहते हो, रुलाते क्यों, सही बात है भाई, चैनल पे हसले इंडिया नाम रख के वीडियो ब्रेकअप वाली बनाते हैं। भाई बताओ ब्रेकअप के बनाते हैं यार, इमोशंस दिखाना चाहते हैं हम, तो फिर हसले क्यों है, हसले इंडिया रख दे तो हंसाते रहेंगे, रुला दे इंडिया रखो ना फिर, रोले इंडिया भाई, यहाँ पे पड़ा पड़ा मैं सारा खा गया। ऑलराइट तो रेडी है जाने के लिए नीचे, अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है या शायद हो चुकी है, और मैं तो देखो जिस चीज के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ उसकी टी शर्ट भी पहन के आया हूँ। और अबू भाई जल्दी कर लो, एसी ज्यादा तेज था पता है आपके कमरे का, बेचारे को बार बार सूसू आ रहा है। इतनी देर से वॉशरूम से ही नहीं आ रहा बेचारा। रेडी है चले, कहाँ चले? नीचे अवार्ड सेरेमनी के लिए। तुझे किसने मुक्का मारा है ये बता। भाई मैं ना क्या बताऊँ, मेरे साथ हादसा हो गया आज, नाक पे ऐसा खून खून हो रखा है मेरे, यहाँ पे ना स्विमिंग कर रहा था मैं,
और स्विमिंग करते करते मैं जैसे ही बाहर को निकलने लगा, कोने में मेरा फड़ाम करके मुंह लगा मेरे, एक एक सेकंड के लिए तो मैं ऐसा ऐसा चक्कर खा के भाई गिरने ही वाला था मैं, इतनी नहीं भाई मुक्का नहीं खाया मैंने, स्विमिंग पूल ने मुक्का मारा है मुझे। और ये रेड कारपेट वॉक करते हुए फुकरा इंसान, भाई आप सुपरस्टार हो भाई, आपके लिए रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं भाई। वो देखो वहां पे रेड कारपेट चल रहा है उधर, हाय संजना शिवानी, लेट मी सी मिस्टर विजय महार प्रद्युमन भाई, बेइज्जती बेइज्जती करा के बाहर आ गए, हम अंदर चले गए बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली, बाहर आ गए भाई मैनेजर साहब कुछ तो बोलो। Alright, next we have the YouTuber of the year male winner and the winner is Nishchay Malan. Nishchay Malan. जस्ट नोटिस सरनेम भी गलत लिखा हुआ है, एच का है मेरे सरनेम का, एच खा गए भाई बताओ। तेरे पे भी यही लिखा होगा अभिषेक मलन मलन, ये तो बोल देख के सबका सिर नहीं भाग जाता है, मतलब बोल डालो है। ऑलराइट गाइस, आर यू गाइस रेडी फॉर द लास्ट अवार्ड फॉर द इवनिंग? यस, गिव मी अ चीयर। ओ लेट्स डू दिस, वेल म्यूजिक रेडी, आई विल लेट यू टेक दिस वन। टॉप ऑफ द टाउन ऑफ द ईयर अभिषेक मलन, अभिषेक ये देखो, दो अवार्ड जीतने के बाद ऐसा ही होता है, इंसान आने चले जाता है घर में, दो अवार्ड आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है अंजित भैया? बहुत बढ़िया, जगह बनानी पड़ेगी जगह। हाँ 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 हाँ, ये देखो साले तू गोलगप्पे खा ले, रहना चाहे भैया, थोड़ा तीखा खिलाओ उसको, तीखा खिलाओ, खिला खिला मेरे को। हाँ भैया, मीठा क्यों डाल दिया, मीठे में मज़ा नहीं आता। मैंने तो अपनी पूरी प्लेट भर लिया है, अब मैं खाने लगा हूँ हेल्दी फूड, दाल मखनी हेल्दी। आ जाओ प्लेट में कुछ डाल तो लो। बट निश्चय इज नॉट बैक, सिर्फ तू आया। पिताजी ये शर्ट किसकी पहनी हुई है? ये तो मेरी शर्ट है, हम आपके हैं, है कौन? देखो क्या मस्त उन्होंने हमारे को, अच्छा ट्रॉफी तो मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं, पर ट्रॉफी से पहले आप ये देखो, शूज शूज मिले हमारे को, निश्चय कहीं नहीं मिलेगा, निश्चय चला गया था, उन्होंने हमारे को इन्फ्लुएंसर वालों ने अवार्ड फंक्शन में एज अ रिटर्न गिफ्ट क्या सेक्सी शूज दिए, देखो उन्होंने कहा कि कब तक एक ही जूते पहनेगा, ले नए ले ले, चार अलमारियां भरी पड़ी हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इतने बकवास जूते पड़े भरे हुए, कौन लाता है, खराब हो रखे। 10,000 के शूज है नाइकी के, कौन से जो अभी लाया हूँ, पीछे दिखाओ, दिखाओ लाओ दिखाओ दिखाओ, 10,000 वाला जूता दिखाओ, ये गिफ्ट करा था हिमांशु ने, 800,000 रुपए के व्हाइट कलर के जूते मिल जाते मैं पहन के जीवन निकाल, तो आज तक एक ही महंगा जूता लिया था खुद, पहले कमाना सीख,
क्या बोला आपने? आपसी वही बात बोलो। इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो, तुम भी की मांगनी है। पापा यार क्या बोल दिया यार। ये देख ले। ओ ये कब आए? ये नए जूते लाए हैं। ये कब आए भाई? कब के आए हुए? ये तो बड़े प्यारे हैं। मानता है ना? ये लोकल है या ओरिजिनल? तेरे सिर में मारूं मैं। देखो टेंशन में आ गई। चलो चलो चलो, पहले दूसरे नाइकी के दिखाने से पहले मैं इनको ट्रॉफी दिखा दूं। तुम्हारा भाई ट्रॉफी नहीं तो यहाँ पे जूते जूते का खेल ही चलता रहेगा। अरे जरा ला के दिखा दे ब्राउन वाले। मेरी ट्रॉफी वो टूट गई। टूटी नहीं होगी। अरे टूट गई ट्रॉफी, टूट गई ट्रॉफी, टूट गई गाइस। मम्मी पहली ट्रॉफी मिली थी जीवन की, उसको लगाओ यार। चिपक जाएगी। ये तो टूट गई पर देख लो, फेवी क्विक लगा देना मम्मी। हाँ। इसको छुपा के मंदिर में रख दो, इसकी पूजा करना। सुबह ही रख लेंगे ये क्या पता चला। वाह मम्मी को मिल गई ट्रॉफी। कैसा लग रहा है पापा आपका बच्चे ट्रॉफी जीत के आए दोनों? अबे ये ट्रॉफी जीता क्योंकि तू बिग बॉस में गया था, तेरी वैल्यू बढ़ गई है। तो फिर इसी बात पे आप बोलो मैं बिग बॉस 17 कर लूं क्या? डन, पर इस बार नहीं। तो 17 को इसी 18-19 में देखेंगे। पापा कह रहे हैं अभी तो नहीं, तो थोड़े टाइम बाद देखना ठीक है? मतलब पापा की तरफ से तो वैसे हाँ हो रही है। बिग बॉस ने तो जिंदगी ऐसी बदली, भगवान कसम मम्मी, एयरपोर्ट हो बाहर हो कोई हो, ऐसा कोई नहीं हो जो नई फोटो खिंचवाता साथ। इतना प्यार करते हैं ना लोग बाहर। आय हाय तुम तो। और आपका बड़ा पुत्र कब आएगा? 2 या 3 को। क्यों? मुंबई में उसका गूगल का शूट है। बड़ा बिजी है यार वो तो। चेहरा होवे जे होवे तेरा होवे क्यों ना करा दस प्यार में मैं।